मम्मी पापा गए किसी काम से, गोलूराम सो रही है, मैं भी लेट सोया था क्योंकि लेट एडिटिंग करी, 12 बज रहे, लेट व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, बट कोई ना। Well, what's up guys, welcome back to 365 days, 365 vlogs, I hope you all are good and happy, good afternoon to you all। दादी माँ सब राज्य खुश है? स्टार्ट पड़ जाती है मेरे को दादी माँ को अगर मंदिर के टाइम पर शाम को। वैसे आज का शेड्यूल थोड़ा मेरा पैक्ड है, मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड एक आ रही है, क्लोज फ्रेंड बोल लो बहन बोल लो, आ रही है दिल्ली फ्रॉम मुंबई एंड मेरे को उसको आज लेने जाना है एयरपोर्ट पे एंड यहाँ से एयरपोर्ट बहुत दूर है और उसकी फ्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से मेरे को मेरी टाइमिंग मैच करनी है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊँ और उसी हिसाब से निकलेंगे, उसी हिसाब से जल्दी रेडी होंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं तो पहली बार मिलने वाला हूँ एंड होता है यार, और एयरपोर्ट जाने वाले, अब एयरपोर्ट जा रहे हैं अभी लेने, कुछ टाइम बाद ऐसा भी आएगा कि एयरपोर्ट हम जाएंगे खुद ट्रैवल करने। वो कब आएगा मेरे को नहीं पता बट बहुत जल्दी आएगा। अभी गोलू राम को उठाता हूँ मैं, ये बहुत देर से ये भी सो रही है और इतना रूटीन खराब हो जाएगा। वैसे आज सीमा दीदी आने वाले तो मोटू तो सेट है पूरा। गुल्लू हाय एम पपपिक, कितनी देर में उठेगा? 1:15 सोने देते हैं बेचारी को, संडे है, हम भी अपनी वॉक लेते हैं क्योंकि कुछ काम तो है नहीं अभी एज सच, तो वॉक लेते हैं। जब बाहर जाना होगा आज मोस्ट ऑफ द टाइम आउटडोर ही रहेगा व्लॉग एंड इट्स अ गुड थिंग। मैंने ये चीज नोटिस करी ट्रैवल व्लॉग्स के बाद से ना, एकदम आउटडोर व्लॉगिंग ना एकदम हैवी क्वांटिटी में आ रही है। हर दूसरा व्लॉग आउटडोर व्लॉग हो रहा है कि कुछ ना कुछ बाहर जा ही रहे हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, नया हो ही रहा है, यूनिक हो ही रहा है, तो ये थोड़ा वो हैवी क्वांटिटी में चीज आई है। एक तो जब भी तकिए के ऊपर मुंह करके ऐसे सो ना, मतलब मैं सीधा सोता हूँ ठीक है, तकिए के ऊपर मुंह नहीं करता, सिर्फ पीछे तकिए पे होता है एकदम सीधा, मैं इधर करता हूँ इधर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर मुंह करके तकिए पे ये साइड होगी ना मेरी तो ऐसे दाने आ जाते, प्रेशर बनता तो वो दाने प्रिवेंट करता है, तो इस चक्कर में मैं कल गलती से ऐसे सो गया तो इधर एक पिंपल आ गया, एक तो बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग बोल रहे हैं मंजू ने वेट पुट ऑन कर लिया है, नॉन वेट पुट ऑन नहीं किया है, इट्स जस्ट वर्कआउट, वर्कआउट बिल्कुल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ना भाग रहा हूँ ना कुछ, ऐसे दिनों से ना बैडमिंटन गया, तो इस चक्कर में लग रहा है वेट पुट ऑन हुआ, हल्का फुल्का हो भी गया होगा, कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा वो एक बार मैं जिम, बस वैक्सीनेशन हो जाए मेरी मैं जिम चालू कर दूं, फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक जिम से, फिर तो मेरे को जिम रुकना ही नहीं है बिल्कुल भी 1% भी। कल जाम डिनर पे गए थे ना, ये माइक सही था क्योंकि चिपका के ले गए थे। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, मेरी एमी और मम्मा की ना वो थोड़ी सी ना तू मैं हो गई, तो मम्मा को गुस्सा आया, मम्मा ने मेरे ऊपर ऐसे फेंका ही, अब वो मैं नीचे हो गया और ये दरवाजे पे लगा और ये टूट गया ऐसे। उसके बाद मेरे पापा ने इसको कल ग्लू गन से चिपकाया था, ये एमी भाई ने वापस तोड़ दिया। नुकसान ये करती है ना मेरे पे आता है हमेशा, फिर इसको नई चीजें चाहिए, मेरे को चीजें चाहिए, जब भी बाहर जाओ, आज बाहर जाऊंगा ना अभी बोलेगी वंश भाई मेरे लिए कुछ लाए और नहीं लाया मुंह सड़ा के बैठ जाएगी। मैं रूट देख रहा हूँ, मैं सबसे मतलब इजी और नियरेस्ट रूट देख रहा हूँ और सबसे जल्दी पहुंचाने वाले, सारे रूट देख लिए, अब एक रूट मिला है सबसे जल्दी पहुंचाने वाला जिसमें मेरे को 3 बार मेट्रो बदलनी, पहले यहाँ से नोएडा से मेरे को राजीव चौक, राजीव चौक से येलो लाइन लेके मेरे को एक स्टेशन जाना है आगे, फिर वहां से एयरपोर्ट लाइन लेके मेरे को एयरपोर्ट पहुंचना, फिर एयरपोर्ट पे 1.5 किलोमीटर की वॉक, फिर वहां से टर्मिनल 3 पहुंचूंगा। अरे भाई साहब बहुत स्ट्रगल हो जाएगा आज कसम से, करना तो है चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे एक बड़ी अजीब चीज रखी है, मैं रात में पावर बैंक अपने कमरे में लाया यहाँ चार्जिंग पे लगाने के लिए, मैंने बेड पे रखा, मैं बाहर गया मैं वापस आया मेरे को तब से पावर बैंक मिल ही नहीं रहा, कभी कुछ खो जाता है बेड से फिर पता नहीं कहाँ मिलता है, अब पावर बैंक हो गया पता नहीं कहाँ मिलेगा, यहाँ एक्जैक्टली यहाँ रखा हुआ था, चार्जर वार्जर और फोन भी यही था, वो सब रह गए, पावर बैंक पता नहीं कहा, मैंने पूरा घर देख लिया अच्छे से सब चेक कर लिया, कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी साइड से, उसके बाद भी कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया यार मैंने, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट मेरे को इतना याद है कि मैंने एक्जैक्टली यहीं रखा था, मेरे को पावर बैंक यहाँ ड्राइंग रूम में एमी के बायजूस वाले बॉक्स के ऊपर मिला, यहाँ कैसे पहुंचा मेरे को सच्ची में कोई आइडिया नहीं है, या तो मेरे बेड में मिला होगा और दीदी ने रख दिया होगा सफाई करते हुए, लेकिन आज शशि दीदी आई भी नहीं, आई होंगी यार, मेरे को कहता पता मैं खुद सो रहा था, मौसम वैसे बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बट पॉल्यूशन तो है ही उतना, कुछ नहीं दिख रहा, छोड़ो अब छोड़ देता पोल्यूशन को कोसना, थोड़ा बार बार बोल के बेचारा पोल्यूशन भी कह रहा होगा, हर गलती करती मैंने आके, इतना मैंने उसको बोल दिया है। अभी जितना मैं दिमाग ये प्लानिंग करने में लगा रहा हूँ ना कितने बजे निकलूँ, जितनी मैथ्स में लगा रहा हूँ, अगर इतना दिमाग मैं मैथ्स में ही लगा लूँ ना तो बहुत बढ़िया, उल्टा मेरे से कोई भी काम करा लो, पढ़ाई के अलावा सबसे कोई भी काम करा लो, सब आराम से कर देंगे। उठो 1:30 हो गए, चलो उठो 1:30 हो गए, उठो आपने 1:15 कहा था 1:30 हो गए, 15 मिनट और सोए, उठो एमी उठो 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 उठो, जो बच्चे ब्रश नहीं करते मैं उनसे बात नहीं करता हूँ गाइस, शर्म नहीं आ रही, ब्रश नहीं कर रही, पूरे कीड़े कीड़े हो जाएंगे मुंह में, उठ जाओ अमी, ये क्या बात है, उठ चुके उसके बाद भी नटक गए, उठ जल 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 मोटे मोटे मोटू जल जल नहीं चल, अरे ज्यादा सुनाई देता आपको, जल चल जल चल जल चल आग पानी आग पानी छोड़ा, अरे कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, चल जल चल जल आग, ओ आग लगाऊ पानी, कहाँ नहीं ब्रश करोगी ना कुछ, बहुत बढ़िया, ये यही करना था बस, बीच से गिरोगी ना निकरा हो जाएगा, ऐसे मिलोगी पुचुप सैंडविच हुई हुई, उठो उठ रही हो कि नहीं उठ रही हो, दादी माँ ये उठ चुकी है लेकिन ब्रश करने नहीं जा रही है, आना जरा, आई दादी आई,
अब तो गई दादी आ रही है, अब तो गई है, भाग क्यों रही है, भाग क्यों रही है, दादी माँ के नाम से भाग गई, देख रही हो आपके नाम का खौफ, बस मैंने बोला दादी माँ वो भाग गई बाथरूम में एकदम से उठ के, आपका खौफ देख रही हो, फिर बोलती हो आपकी कोई सुनता नहीं, सब सुनता है आपका खौफ है, सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका नाम ही काफी है। मैं हवा का नहीं हूँ भाई, तुमने मेरा हवा बना दिया क्या? अरे भैया मैंने खौफ का हवा आपको बहुत ज्यादा ही सुनाई दे जाता कभी कभार, ब्रश कर ले नौटंकी, घर में कम नौटंकी नहीं है, किसने लूट लिया, किसने किसने दादी माँ, खत्म, गुड बाय, गुड बाय, बाय जाओ, जब भी वहां जाता ते ले और जाए, खाली ऑटो अभी आता भी नहीं है, है ना, उसके बाद भी रोती है ना ये, अच्छा भाई हूँ मैं लाता हूँ, कभी ऐसे नहीं लाया, लेकिन ऐसे बच्चे रोते रहते बस, हो क्या हो क्या, ब्रश कर ले पिटी पिटी, ओए अमी ब्रश वाली पुच्ची देगी दादी माँ को, बदबू वाला बच्चा नागे मोचू के रेडी, दवाई भी लगा ली है, अब निकलते हैं जल्दी से, दादी माँ और अमी अभी हिंदी रेसिटेशन खेल रही है, हमारे पास मेट्रो के एक्सपीरियंस कैमरा के साथ अच्छे नहीं रहे हैं तो सेफ्टी के लिए बैग ले लिया है मैंने, ऑटो बुला लिया, अब निकलते हैं, एक्चुअली ना मैं पास वाले मेट्रो स्टेशन जा रहा हूं, मैं एकदम आगे जा रहा हूं, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन घुसने से पहले एक स्टेशन होता है सेक्टर 15 का, मैं वहां डायरेक्टली पहुंच रहा हूं, थोड़ा अपना दिमाग भी लगा रहा हूं मैं, अमी ख्याल रखना, मैं एक्साइटेड भी हूं एंड एट द सेम पॉइंट मैं नर्वस भी हूं, क्योंकि पहली बार मैं एक तो अकेले एयरपोर्ट जा रहा हूं प्लस किसी को लेने जा रहा हूं एंड एट द सेम पॉइंट ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, तो अच्छा है ये सब मैं ब्लॉग कर रहा हूं, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर पाऊंगा एक बार अकेले एयरपोर्ट जाने का एक्सपीरियंस, मैं कसम से आज तक एयरपोर्ट अकेले नहीं गया हूं, तो हमेशा मम्मी पापा के साथ ही गया हूं, चाहे किसी को लेने भी गया हूं या चीज ऑफ भी करने में मम्मी पापा के साथ ही गया हूं, हमेशा अकेले कभी नहीं गया मैं। हमको हमारे रूल पे रहना है, लास्ट डिब्बा पकड़ना है, लोग भी बोलेंगे कि मेट्रो से क्यों जा रहा, कैब से क्यों नहीं जा रहा, मेट्रो से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पहले पैसे की बचत, दूसरे अच्छे से घूम फिर के चपा जाऊँगा मज़े में। अब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से येलो लाइन लेके एक स्टेशन आगे जाके एक मिनट की वॉक लेके डायरेक्टली उधर पहुँचूँ स्टेशन पे, या तो मैं आराम से मस्त 9-10 मिनट की वॉक लेके डायरेक्ट स्टेशन पे पहुँचूँ जो एयरपोर्ट लाइन वाला है, क्योंकि यहाँ से वो भी पास है और ये ऑप्शन भी, तो ये दो ऑप्शन है, अब मैं प्रेफर कर रहा हूँ वॉक करके जाने का, क्योंकि अभी 4:40 हो रहे हैं और 6 बजे तक, मतलब मेरे को 5:30 बजे तक वहाँ पहुँचना है, तो बहुत टाइम है मेरे पास, टाइम जब है तो फ़ायदा उठाया जाए तो आराम से मस्त वॉक करते जाएंगे फिर। अब इतने दिनों बाद राजीव चौक के मेट्रो स्टेशन, अब भीड़ देख के मजा ही आता है, एक तो इतने सारे एग्जिट है, पहले मैप पे देखो कौन से एग्जिट से निकलना है, एक तो कोविड के चक्कर में आधा ज़्यादा एग्जिट ही बंद कर रखे, 2-3 ही खोल रखे, अब तो मेरे को थोड़ा सा लंबा चक्कर भी पड़ जाएगा। सीपी आके मैं सिर्फ दो चीज़ें प्रेफर करूंगा, या तो पैदल या तो यूलू, गाड़ी ऑटो में मत आना, ऑटो में तो कतई मत जाना क्योंकि साफ सूत देते हैं गलती, लंबा ले जाते हैं उल्टा ही, और फिर उसी हिसाब से फेयर भी ले लेते, डबल ले लेते कभी कभार। हम अभी फुटपाथ पे, ये रहा सीपी का सेंट्रल पार्क, हमें उस साइड आगे जाना है, मेरा मन है मैं कैमरा निकाल लूं, मैं तो निकाल ले तो फिर वापस उसको पैक करके डालो, निकालो पैक करो, बार बार करने से अच्छा एक ही बार जाके खोल लूंगा। यहाँ का कोई तो बाजार, अब कौन सा बाजार है मैं भूल गया, बट लगा हुआ है यहाँ सारे वही, इससे बोल लो थोड़ा महंगा सरोजनी, अच्छी खासी जगहें भी एक्सप्लोर होती है, नई नई चीजें जो मैंने नहीं देखी वो मेरे को देखने को मिल रही है, मेरे को नहीं पता ऐसी कोई मार्केट भी होती है यहाँ पे, बट अब मैंने एक्सप्लोर किया है पहली बार, सो इट्स गुड। यहाँ पे फेमस हनुमान जी का मंदिर है, इसके पीछे इतनी भीड़ है उस मंदिर के अंदर जाने के लिए भी, और प्रॉपर फूड प्लाजा भी है, खाने पीने का भी सिस्टम बहुत अच्छा खासा है। प्लस अगर मैं घूम फिर के इतना जा रहा हूँ, अगर मैं कैब में जाता मैं इतना व्लॉग नहीं कर पाता, इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखा पाता, तो इट्स बेटर कि मैं ऐसे आके मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मेरा भी पब्लिक व्लॉगिंग का कॉन्फिडेंस और बकअप हो रहा है, मैं चीज़ें भी एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। लॉकडाउन करोना इन सबसे पहले ना मैं सीपी हर सैटरडे संडे आता था क्लासेस के लिए, हर वीक 2 दिन क्लासेस के लिए आता था मैं यहाँ, वो कोर्स भी खत्म हो गया, फिर मैंने आना भी छोड़ दिया यहाँ। लोगों को वैसे चीज़ों की कदर नहीं है अगर कोई प्रोवाइड भी कर दे तो, यहाँ पीछे यूलू बाइक से सबने फेंक फूक के रखी हुई है, ऐसे गिराई हुई है जैसे मतलब फैक्ट्री आ जाएगी, नहीं नहीं ये मैंने देखा है, अगर किसी को ऐसी चीज़ मिले ना वो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि पब्लिक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइप है तो वैल्यू ही करना, फेंको तोड़ो फोड़ो हमारा क्या जा रहा, हमारे पैसे थोड़ा ना लग रहे। मैं एयरपोर्ट मेट्रो से एक ही बार आया हूँ मम्मी पापा के साथ, जब मैं छोटा था पहली बार अकेले जा रहा हूँ। यहाँ शॉप्स और कैफेज खुले हुए हैं लेकिन खुले होके बंद है, मतलब कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन स्टोर्स वैसे खुले हुए हैं। एक बात बढ़िया निकल गया, नॉर्मल मेट्रो कार्ड चल जाता है, एंड ये बिल्कुल मतलब एयरपोर्ट की तरह ही है, बस ये है कि एयरपोर्ट मेट्रो है, एयरपोर्ट प्लेन के लिए है, स्पेसिफिकली एयरपोर्ट के लिए है ना ये वाली, तो प्रॉपर एयरपोर्ट टाइप थोड़ी थोड़ी वाइब्स थी कि चेयर वेयर वैसे लगा रखे, कैफेज वैफेज नहीं है, एट द सेम पॉइंट आपका वो वीजा वीजा इन सब के लिए करेंसी एक्सचेंज सब है यहाँ। वैसे भी यहाँ ज्यादा वो लास्ट कंपार्टमेंट वाला सीन नहीं, क्योंकि आधे ज्यादा कंपार्टमेंट अंदर खाली रहते हैं, तो आराम से किसी कंपार्टमेंट में बैठ जाओ, अपना जगह मिल जाएगी।
सच्ची में एयरपोर्ट मेट्रोज बाहर की ही वाइब देती है, बाहर वाली कंट्रीज की मजाक से उठ के। जाना टर्मिनल 3 है, वहाँ एस्केलेटर का साइन है, एस्केलेटर ही बंद है। अब यहाँ से चल के जाना होगा आई गेस। ओके सो वी हैव रीच्ड, ग्रेट फाइनली। अच्छा खाली अब पेट भर गया अच्छा खासा। अब फ्लाइट लैंड होने वाली है तो मैंने ट्रैक करा है, तब तक इन मीन टाइम मैं वॉशरूम हो जाता हूँ। अब अनवांटेड अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि इतना बड़ा सेटअप मैंने निकाल लिया, अंदर था तो नहीं निकाला था, बाहर आते समय निकाला है। इस चक्कर में आज लेने आया हूँ एक दिन, अब जाऊंगा अभी इधर से कहीं। एक डिसएडवांटेज एयरपोर्ट में इतना वॉकिंग होता है ना, अब एक कोने से दूसरे कोने में जाना है मेरे को वॉशरूम के लिए। मैं अभी पीछे वाले कैफे में था, मेरे को सामने वहाँ जाना इतनी दूर। मेरे को जस्ट अपडेट मिला फ्लाइट लैंड हो चुकी है, अभी मेरी बात हुई है, अब बस 10 मिनट की बात और है फिर मैं मिलने वाला हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ही मिल रहा हूँ इन पर्सन। हेलो कैसा? सालों बाद, सालों बाद का पहली बार ही मिल रहा, सालों बाद। मेरे को लगा मेरे बराबर का होगा ये हाइट में भी। अब ये पता नहीं इसने कहा 5 मिनट, ही सेड 5 मोर मिनट्स, सो आई एम जस्ट वेटिंग। ये पहले भाई साहब ऊपर पहुंच गए थे, ये अराइवल्स पे नहीं आए, ये डायरेक्ट डिपार्चर पे पहुंच गए। आ गए दोनों, आ गए। ये हमारा ऑर्डर लेते आइए। उधर से टाप क्या आएगी पागल। वेरी पोना जी, वेलकम टू दिल्ली हबीबी। फाइनली के लिए इतनी दूर से हम सफर करके आए, वो आ चुकी है हमारी बहन, हमारी बेस्ट फ्रेंड। कहाँ है वो? तो आ रहे हैं हाँ, उसकी मम्मी और वो देव आगे पहुंच गए। अरे राम, अब पता नहीं क्या प्लान है। ये देव तो बोल रहा था एयरपोर्ट पे घूमेंगे एक घंटा एयरपोर्ट पे, इसको पता नहीं किसके लिए और रुकना है। अरे अभी कचरा किधर है? मेरे सिर पे। रुक जाना, डस्टबिन मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर द कॉफी। यहाँ अभी दिल्ली और मुंबई का कंपेरिजन चल रहा है की यहाँ के स्टारबक्स और मुंबई के स्टारबक्स में बहुत डिफरेंस है। ये लोग अलग ही रेलिंग टाप के जा रहे हैं। अभी हम वैसे एम्बियंस मॉल आए हैं, एयरपोर्ट पे टाइम थोड़ा स्पेंड करना था, तो आंटी को हमने कैसे ना कैसे करके कन्विंस किया ज्यादा थोड़ी देर मॉल में टाइम स्पेंड करेंगे। बढ़िया, ये लोग थोड़ा ये इतना बड़े कैमरा के आगे ना सब कैमरा शाय हो जाते हैं स्टार्टिंग में, मत कोई ना। सरप्राइजिंगली एंट्री पे कुछ बोला नहीं कैमरा के साथ, जबकि हाथ में ही था, तो आई होप ब्लॉग कर सकता हूँ मैं। बाकी अगर नहीं कर पाऊंगा तो कोई ना बैग में डाल लेंगे, बैग कैरी कर लिया। कैसा लग रहा है आपको आते? ऑनेस्टली मैं पहली बार आया हूँ इस मॉल में, तो फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी बहुत ही बढ़िया है। कहाँ जा रहे हो? यहाँ के भी इसको मिलने का शौक नहीं है, इसको यहाँ के भी शॉपिंग करनी है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। भाई साहब ये बड़ी दिक्कत होती है लड़कियों के साथ आने में, अगर उनको कहीं दिख जाए ना उनको वो चीज लेनी है कैसे ना कैसे करके शॉपिंग करने एक बार घुस जाए तो। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड आंटी से मिलने के लिए था, क्योंकि आंटी से मेरी बहुत बात, मतलब जब भी कॉल पे रहता था आंटी से बात होती थी लेकिन ज्यादा नहीं होती थी। हमने यहाँ आके मुश्किल से 5 गेम खेले और 5 गेम में लो बैलेंस हो गया एकदम से। लगे हो भाई तुम लोग, कार्ड घुमा दिया इधर ने, देव ने अपने डैड को क्रेडिट कार्ड अभी घुमा दिया, अभी मिला फिर इनको कोई देने आया सामने से। बाय आंटी, टेक केयर। चलो भाई बाय, सेव बाय वंशिका प्रसाद अय्यर। चलो बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय, मिलते हैं जल्दी से। चलो जी फाइनली मिलना जुलना हो गया, अब निकलते हैं घर को। मजा आया मिलके पहली बार ऑनलाइन फ्रेंड्स से मिलके। कभी कभार कुछ लोग जेन्युइन निकल जाते हैं और जो लोग जेन्युइन निकलते हैं वो जेमी होते हैं, तो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं टायर्ड हूँ बट अब घर निकलते हैं जल्दी से। मम्मा भी कॉल करके पूछ रही थी कहाँ पहुंचा। एयरपोर्ट मेट्रो की एक खराब बात है कि बहुत लेट आती है और बहुत मतलब टाइम लेती है आने में। कोई ना, अब मेरा थोड़ा रूट चेंज हुआ है, अब मैं शिवाजी पे उतरूंगा। मैं यहाँ से एक स्टेशन आगे धौलाको हो जाऊंगा, वहाँ से मेजेंटा लाइन लूंगा डायरेक्ट बोटेनिकल गार्डन के लिए। मेट्रो कार्ड का होने का बेनिफिट, बार बार टोकन नहीं लेने पड़ते, अच्छी बात है। इतना मतलब बार बार कार्ड लगाओ। पिंक लाइन है यार, ये मेजेंटा नहीं है। मेरे दिमाग में ये कन्फ्यूजन रह गया मेजेंटा, इस चक्कर में मैं इस पर आ गया। तो ये पूरा धौलाकुआ स्टेशन से वहाँ तक का पूरा 1 किलोमीटर का पैच है जो अंदर अंदर से ही हो रखा है पूरा। ये भाई साहब जो कटा है ना 1 किलोमीटर के नाम पे मैं चले जा रहा पूरा पता नहीं 2-2.5 किलोमीटर का भाई, मैं मेरी चल चल के हालत खराब हो चुकी है। मैं नॉन स्टॉप चले जा रहा हूँ अपना पीछे को ही है, आगे लोग उनका मेरे को सोच के इतना बुरा लग रहा है, जो लोगों का रोज का यही अप एंड डाउन होता होगा। वहाँ पूरा वहाँ एंड तक जाना है। अभी पीछे सर मिले, यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड हो रहे हैं, एक इधर के लिए एक उधर के लिए। मेरे को उस साइड जाना है, इधर वालों को और 1.5 किलोमीटर आगे जाना होगा उनके पैच के लिए। मेरे को नहीं पता मेरे को यहाँ से किधर जाना है। फाइनली 3.5 किलोमीटर की वॉक के बाद फाइनली पहुंच गए। हालत खराब हो गई कसम से यार, मैंने एक्चुअली पापा की बात मान के ना गलती करी, उन्होंने कहा धौलाकुआ से मेजेंटा ले लिया, मेरे को भी लगा धौलाकुआ से मेजेंटा मिल जाए, लेकिन पिंक ही निकली ना। तो ना जैसे पहुंचते हैं घर आराम से, फाइनली नोएडा में आ गए हैं। जिस स्टेशन से चढ़ा था उसी स्टेशन पर आया हूँ, 10-20 रुपए का वही फर्क है, बट जाते हुए रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आसपास, मैकडी मुक्टी मिल जाएगा, इसी होप में मैं उतर गया हूँ। हम तो घर आए लेकिन फाइनली सीमा दीदी भी आज घर आ गई हैं, वापस कलकत्ता से, अच्छी बात है ये। अब कल से सीमा दीदी वापस व्लॉग्स में दिखेंगी, लेट आई बट कोई ना, बहुत परेशान हुआ हूँ मैं इनके चक्कर में, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एमी ट्यूशन टाइम पे जाएगी और एमी के लिए 2 गिफ्ट जो जीते थे हम फन सिटी में, वो ये रे, एक तो हेयर बैंड और एक बबल्स वाला। अरे आ जाएगा, ट्राई तो करो स्ट्रेचेबल वाला गुल्लू। एंड आज का व्लॉग भी यहीं रैप अप करते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, अगर मन करे तो। दिस इज वी बॉय K1 साइनिंग ऑफ, एंड कल का व्लॉग याद से देख लेना।
बाय दादी माँ दीदी 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 हाँ दीदी का भी बाय हो जाए आज, बाय कर दो दीदी, बाय बाय कल से मिलते हैं बहुत ही बढ़िया व्लॉग के साथ, गुड नाइट एंड हैव अ गुड वन। क्या जाऊं जाऊं मतलब जाओ जू ओ कौन सी भाषा बोल रही हो?